जिस वीडियो का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो वीडियो आपके स्क्रीन के सामने है जी हाँ हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच होने वाले आईपीएल 2024 का जो पहला मैच खेला जाएगा इसके बारे में देखिए इस वीडियो में जो है ना मैं आप लोगों को इस मैच की सारी वो इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपके काम आएगी साथ ही हम ये भी देखेंगे इस मैच में हमें कौन कौन से ऐसे प्लेयर हमारी टीम के अंदर लेने हैं जो हमें वन साइडेड विन करवा दे क्योंकि आप सबको बताएं चाहे आर का मैच हो चाहे कोई सी भी टीम का मैच हो आपका मेन टारगेट है आप लोग प्रॉफिट अर्न करो ये तो आप सबको पता होगा ठीक है तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आप लोगों की जो टीम है ना वो परफेक्ट टीम कर देगी और देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे उनके लिए बहुत सारे गिव अवेज भी है जो जब आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहोगे तो आप लोगों को ये चीज़ पता लग भी जाएगी ठीक तो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को बाकी उससे पहले बताना चाहूंगा नहीं जुड़े को मिलेगी कई लोग ऐसे होंगे जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे तो 2023 का जो आईपीएल हुआ था ना उसके अंदर मैंने विन किए थे 15 करोड़ रुपए अब ऐसा हो सकता है आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि यार 15 करोड़ रुपए तूने जीते हैं कुछ प्रूफ तो होगा तो मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा बट सबसे पहले मैं आपको ये चीज चलो प्रूफ दिखा देता हूँ फिर आपको क्या होगा आपके मन में जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा ठीक है तो देखिए मैं आपको सबसे पहले पिछले मेरे दो आई के मैचेस का मैं विनिंग प्रूफ दिखाता हूँ देखिए पिछले दो आई के मैचेस का अगर आप मेरा विनिंग प्रूफ देखोगे तो ये एस और आर का ही मैच है ठीक है इसमें अगर आप मेरा विनिंग देखोगे तो इसके अंदर मेरी विनिंग है इकतीस लाख रुपये निन्यानवे हजार बत्तीस लाख ही मान लो तीन सौ रुपये करने इकतीस लाख रुपए की विनिंग और ये पता ही कौन सी टीम से मेरी विनिंग्स है जो टीम्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ वही नहीं आपको मैं एक और विनिंग दिखाना चाहूँगा जो कि मतलब राजस्थान वर्सेस पंजाब के बीच मैच हुआ था बावन लाख ,00 की मेरी ये विनिंग है बहुत सारी ऐसे विनिंग्स मैंने पहले भी आपको शेयर की थी टेलीग्राम चैनल पर और ये मेरी विनिंग्स जो है ना अभी चाहे आप पचास लाख ले लो बीस लाख ले लो कितनी भी मेरी जो विनिंग्स आती है वो उसी टीम से आती है जो मेरे भाई मैं टीम आपको टेलीग्राम पर देता हूँ अभी अभी पहले के आई की छोड़ो अभी आपको पता होगा तीन दिन चार दिन पहले वुमेन्स आई फिनिश हुआ है उसके अंदर भी लीडर बोर्ड में मेरी रैंक वन मैंने विन किए थे छः से सात करोड़ रुपए वुमेन्स आईपीएल में अगर आपको वो प्रूफ भी देखने हैं ना तो वो मैं यहाँ वीडियो में तो नहीं दिखाऊंगा डायरेक्टली मैंने हर, मैं हर मैच के विनिंग प्रूफ टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं तो अगर आप नहीं जुड़े हो ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जरूर ज्वाइन कर लेना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो आपका काम है ना वो है टेलीग्राम ज्वाइन करना क्योंकि देखिए वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा लेकिन आपको भी पता है जब तक बेस्ट टीम नहीं होगी तो वीडियो में मैं आपको कुछ भी क्यों ना बताऊं अगर मान लो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूं और मेरी टीम ही खराब है तो क्या मैं आपको जितवा सकता हूं नहीं जितवा सकता हूं ना तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूं देखिए वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं उसके अलावा दो तीन चीज़ें ऐसी होती है जो वीडियो के अबो होती है जैसे कि पिच रिपोर्ट आपको पता होगा अगर आप रेगुलर फैंटेसी खेलते हो पिच रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जो अगर आप सही तरीके से यूज में लेते हो तो 80 से 90 परसेंट आप मैच जीतोगे तो इस मैच की जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा वहीं पे आपको पता होगा आईपीएल में सब्सट्यूट का या इम्पेक्ट प्लेयर का एक रूल चलता है पता नहीं होगा तो आपको मैं बता दूं कि आई में जो होता है 11 प्लेयर की प्लेइंग एलेवन आती है जो टीम पहले बैटिंग कर रही होती है उनके बॉलर सब्सट्यूट में रहता है फिर जैसे बॉलिंग करने आती है वो सब्स्यूट में चला जाता है वो प्लेइंग लेवल में चला जाता है ठीक है वो मैं आपको आ, इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि यार फालतू में लंबी वीडियो ना हो सब्स्यूट का रोल मोस्ट ऑफ द लोग को पता होगा जिनको नहीं पता है धीरे धीरे पता चल जाएगा ठीक है तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है और पिच रिपोर्ट के अलावा बैटिंग ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें देखने के बाद फिर जो टीम बनती है ना वो यहां पे आती है तो जो लोग नई ज्वाइन किए ना डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जरूर ज्वाइन कर लेना उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना कम से कम मैं आपके लिए टारगेट रख रहा हूं दस हजार लाइक्स का जो कि कोई बड़ा टारगेट नहीं है वीडियो को लाइक जरूर करना और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए आप सबके लिए जो है ना गिव अवेज भी इस वीडियो में गिव अवेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ देखिए इस वीडियो में चार टाइप के गिव अवे हैं जिसमें गिव अवे क्या है मैं आपको बताऊँ देखिए जिस बंदे ने पहले और पांचवा यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लाइक और कमेंट किया वो सौ से लेकर हज़ार रुपये जीत चुका है इस मैच में मोबाइल फोन का गिवअप है इस मैच में अगर आप कमेंट करते हो और आपके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आते हैं तो पांच लोगों को जो है ना सौ रुपए से लेके एक हजार तक का प्राइज मिलने वाला है और वही नहीं आप जैसे कमेंट करते हो जरूरी तो नहीं है ना कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइक के अंदर ही आओ ना ही ये जरूरी है कि आपके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आए ही आए ठीक है तो मैं जो है ना आपके मतलब पांच लोगों के कमेंट को सिलेक्ट करूंगा और उनको भी प्राइस देने वाला हूँ तो टोटल अगर आप देखोगे पंद्रह हजार का तो गिव अवे ये हो गया प्लस में आईपीएल के हर मैच में आपके लिए मोबाइल का गिव अवे भी मेरी तरफ से रहने वाला है तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे क्योंकि लाइक में आपको पता होगा एक मोटिवेशन मिलता है और अगर आप लाइक्स वगैरह करोगे तो भाई हमें भी फील होगा कि हाँ यार जनता बहुत प्यार करती है तो लाइक कर देना दस हज़ार लाइक्स का टारगेट है कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं आईपीएल के कंपैरिजन में ठीक है बाकी अब हम और भी आपको बताऊंगा गिव अवे के आ, आ, बारे में लेकिन थोड़ा पहले मैच की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि देखिए जिसके लिए वीडियो बन रही है अगर मैं वही चीज़ में लेट करूंगा तो फिर मेरी वीडियो को कोई मतलब है नहीं चेन्नई और आरसीबी की तरफ से चेन्नई की तरफ से एक न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूंगा आर जो आ, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ है वो चेन्नई के नए कप्तान बन चुके हैं अगर आप सोशल मीडिया से एक्टिव हो तो शायद आपको ये चीज़ पता होगी और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं 2024 आईपीएल जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ लीड करने वाले हैं ठीक है ठीके? और अगर मैं बात करता हूं बेंगलोर की तो बेंगलोर की तरफ से भी एक न्यूज़ आई है जो पहले भी आई थी लेकिन अब कन्फर्म हो चुकी है कि बेंगलोर के सारे प्लेयर इस मैच के लिए अवेलेबल है जो कि इन्होंने इस में अनाउंस किए थे ठीक है बाकी मैच जो है लाइव अगर आप देखना चाहते हो ये तो पहले से ही पता होगा जियो सिनेमा पे लाइव मैच आने वाला है चेपक के अंदर ये मैच होगा और आठ बजे मैच स्टार्ट होने वाला है ठीक है अब अगर सबसे पहले हम चेपक के वेन्यू की बात करते हैं कि चेपक पे होता क्या है जनरली तो सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो पिछले कुछ यहाँ पे मैचेस खेले गए जिससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी और आप बिल्कुल बेस्ट तरीके से समझ पाओगे जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए सबसे मेन चीज तो मैं आपको चुका हूं कि पूरा गेम डिपेंड करने वाली चीज रहेगी पिच रिपोर्ट ठीक है पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी फैंटेसी टीम बनेगी तो फाइनल जो पिच रिपोर्ट आएगी वो तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा अभी जो इस मैच से पहले के जो यहां पे मैचेस खेले गए ना वो अगर मैं बात करू तो वो आपके स्क्रीन के सामने ये है और ये कौन से मैचेस है जो 2023 आईपीएल के अंदर खेले गए थे और ये पिछले चार मैचेस है ठीक है तो पिछले चार मैच में आप देखोगे तो तीन मैच जीती है जो टीम पहले बैटिंग की है और एक मैच जीती है वो जो जिसने पहले बॉलिंग की और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए आपको ये चीज मैं बता दूं अभी वर्ल्ड कप के भी यहाँ पे मैचेस खेले गए थे ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि ये बिल्कुल स्लो ट्रैक है मतलब कि यहाँ पे स्पिनर्स बहुत अच्छा करते हैं ये आप किसी की भी वीडियो देखोगे आपको ज्यादातर ये देख मतलब बोलते हुए देखने को मिलेंगे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट है ही इंपॉर्टेंट उसके अलावा अगर आप देखोगे ना यहाँ पे पेसर्स का भी बहुत बड़ा रोल है अगर आपको उसका भी प्रूफ चाहिए कि भाई कैसे रोल है तो मैं आपको वो चीज भी दिखाता हूँ देखिए जो ये वाला मैच है ना मुंबई और लखनऊ का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पहली इनिंग में ठीक है यानी कि जब मुंबई की टीम बैटिंग कर रही थी तो यहाँ पे विकेट गए आठ और आठ के आठ विकेट लिए पेसर्स ने और दूसरी चीज जब सेकंड इनिंग आई तो छः विकेट लिए पैसर्स ने और एक विकेट लिए स्पिनर ने स्पिनर होते हैं इंपॉर्टेंट इसलिए ऐसी कोई मतलब दिक्कत नहीं है लेकिन मेनली स्पिनर पता है कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब जैसे कोई टीम है जैसे फॉर एग्जाम्पल चेन्नई की टीम है ठीक है इन्होंने दो सौ का टारगेट दे दिया अब आपको भी बताया जो आर की टीम है वो चेंज करने के लिए तेजी के साथ खेलेगी अब तेज़ी के साथ अगर वो कोई जैसे कि मान लो कोई विराट कोहली फावडू प्लेसिस टिक गए तब तो चेंजिंग आसानी से होनी चाहिए वरना प्रेशर में पूरे जो विकेट होंगे ना वो बंडल्स में स्पिनर्स निकाल लेंगे तो उस कंडीशन में स्पिनर एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनको हेल्प मिलती है वरना नॉर्मली और बाकी पिच रिपोर्ट में आपको बता ही दूंगा वरना नॉर्मली आप ये मान के चलना कि पेसर्स स्पिनर दोनों का गेम होगा और स्पिनर्स बस थोड़े से सेकेंड इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कंपेरिजन टू फर्स्ट इनिंग ठीक है बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस की तो 20 मैच जीती है चेन्नई सुपर किंग्स और 10 मैच जीती है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 10 मैच ज्यादा जीती हुई और पिछले आठ मैच में से सात मैच चेन्नई की टीम जीती है मैं आपको ये भी बता दूं ठीक है चेपक के हिस्टोरिकली नेचर और पिछले कुछ मैचेस के बेस पे अगर हम डेटा निकाले कि यहां पे होता क्या है देखिए टोटल यहाँ पे जो मैचेस खेले गए टी के वो एक मैच हुए हैं जिसमें सिक्सटी नाइन मैचेस जीती है बैटिंग फर्स्ट और फिफ्टी नाइन मैचेस जीती है जिसने पहले बॉलिंग लिए ठीक है वही नहीं अगर आप यहां पे देखना चाहोगे कि यहां पे सबसे

बॉलिंग उतनी अच्छी है नहीं जितनी बैटिंग अच्छी है स्पेशली जो बेंगलोर की टीम है अगर आप सिराज को हटा देते हो तो आप देखोगे कुछ ज़्यादा अच्छे इनके पास बॉलर है नहीं वहीं चेन्नई में भी कुछ ज़्यादा नहीं है अगर आप एक तो शार्दुल ठाकुर इनके पास आने की वजह से ये टीम और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है और अगर एक तीक्षणा का, का काम थोड़ा है अगर स्लो विकेट होता है तो तीक्षणा भी काम कर जाएगा वरना टीम देखिए मेनली अगर आप दोनों टीमों की तरफ से जो बेस्ट बॉलर काउंट करोगे एक तरफ रविंद्र जडेजा मिलेगा जो भी स्लो विकेट होने के कारण और दूसरी तरफ सिराज बाकी उतने खास इनके पास बॉलर नहीं है लेकिन बैटिंग आप देखोगे बैटिंग में दोनों के पास बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर्स है ठीक है बाकी एक्सपेक्टेड अगर मैं स्कोरिंग की बात करूँ कि यार इस मैच में क्या स्कोर की उम्मीद हमें लगानी है तो जहाँ तक मेरा आइड है इतना स्कोर होना चाहिए एक सौ के बीच ये स्कोर की मुझे उम्मीद है और अब हम बात करते हैं टीम की प्लेइंग इलेवन की देखिए जो प्लेइंग इलेवन इले है ना इसमें आपको एक चीज़ में बताना चाहूँगा कि सब्सट्यूट का जो रोल है ना जैसे चलो पहले प्लेइंग इलेवन देख लो फिर सब्सट्यूट का भी बताता हूँ देखिए रचिन रविंद्रा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मोस्ट लाइकली ओपन करेंगे और बैटिंग ऑर्डर में चेंज होता है तो उसके लिए आप बेफिक्र रहना मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वन डाउन अजिंक के रहने फिर मोइन अली फिर आएंगे शिवम दुबे डेरिल मिचेल डेरिल मिचेल ऊपर भी आ सकते हैं ये गेम कंडीशन के बेस पे जैसे मान लो हिटिंग चाहिए टीम को तो डेरिल मिचेल आ जाएंगे और अगर जैसे जल्दी विकेट चले जाते हैं तो उस केस में फॉर एग्जांपल जैसे मान लो देखिए कई बार आपने देखा होगा कि जिंक रानी की बैटिंग ही नहीं आती है क्यों नहीं आती है क्योंकि जैसे ज़्यादा जैसे विकेट चले गए तो हिटिंग चाहिए होती है तो शिवम दुबे को ये पहले भेज देते हैं या फिर जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि स्पिनर्स अच्छे खासे गेम में अब अच्छा खासा स्पिनर्स को खेलता कौन है यहाँ पे तो वो शिवम दुबे तो इनको प्रमोट कर दिया जाता है बैटिंग ऑर्डर का इनका बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर आपके स्क्रीन के सामने है ये चीज़ आप ध्यान देना उसके बाद एम एस धोनी रविंद्र जडेजा शार्दुल ठाकुर दीपक चैर और मुस्ताफीजुल रहमान ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है और जो कि बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनकी रहने वाली है अब यहाँ से आपको एक चीज नोटिस करनी है कि इस टीम में लेफ्टी राइटी कितने जो काफी काम की चीज आपके लिए रहने वाली है क्योंकि देखिए जब आप फैंटेसी टीम बनाओगे ना तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई प्लेयर आप ले रहे हो किसी प्लेयर को कैप्टन बना रहे हो तो उसके पीछे का रीजन क्या है ठीक है इस मैच में, में जो मेरा कैप्टन होगा ना उसका ध्यान लगाना कि मैं क्यों कैप्टन कर रहा हूँ और क्या उसका रीजन है ठीक है देखिए सबसे पहले आप लेफ्टी ही राइट ही काउंट करना तो इस टीम में लेफ्ट हैंडेड अगर आप देखोगे रचिन रविंद्रा उसके अलावा यहां पे मोइन अली उसके अलावा यहां पे शिवम दुबे उसके अलावा यहां पे रविंद्र जडेजा चलो आप जडेजा को भी छोड़ दो दुबे को भी छोड़ दो टॉप तो फोर के अंदर अगर आप काउंट करोगे तो दो लेफ्ट हैंडेड यहां पे अवेलेबल है वैसे तो चारों ही काउंट करूंगा मैं लेकिन फिर भी अगर आप टॉप ऑर्डर भी इंक्लूड करोगे तो यहाँ से दो चार चार लेफ्टी है यानी कि जो बेंगलुरु की टीम है वहां से कोई भी अगर ऑफ स्पिनर अवेलेबल है तो कैप्टनसी का वो सबसे बेस्ट चॉइस है अब आप बोलोगे वहां पे कौन जो है ऑफ स्पिनर अवेलेबल है तो है ग्लैन मैक्सवेल तो इस मैच में आप मान के चलो जैसे मैं आपको टीम देता हूं टेलीग्राम पे और मैं कैप्टन नहीं देता हूं तो याद रखना मेरा कैप्टन रहने वाला है ग्लैन मैक्सवेल ठीक है उसका रीजन आपको समझ में आए गया क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं जो टेलीग्राम पे है ना टीम देता हूं तो कई बार कैप्टन नहीं देता हूँ उसका रीजन पता है क्या है क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट बहुत हाई करता हूँ बहुत ही ज्यादा हाई करता हूँ और यही रीजन है कि मैं हर लीडर बोर्ड जीतता हूँ ठीक है तो मेरे इन्वेस्टमेंट हाई करने के कारण क्या है अगर मैं जल्दी टीम दे दूंगा तो ओपोनेंट को ये कंफर्म है क्योंकि बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता लग जाएगी कि भाई मेरी ये टीम है और उनको मुझे बीट करना बहुत आसान हो जाएगा तो जो लोग वीडियो को देखते हैं ना उनके लिए चीज़ अलग से स्पेशल होती है तो अगर मैं कैप्टन नहीं देता हूँ आपको टेलीग्राम पर तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मेरा कैप्टन ग्लैन मैक्सवेल रहने वाला है ठीक है तो ये लाइनअप हो गई अगर मैं बात करता हूँ इनके बॉलिंग की तो बॉलिंग का देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं जो इनके मेन बॉलर है उसमें शार्दुल ठाकुर दीपक चहर अगर मुस्ताफीजुर खेला तो मुस्ताफिजुर हाई चांसेस से खेलेगा उसके बाद यहाँ पे रविंद्र जडेजा और रचिन रविन्द्रा ये पांच तो मतलब इनके मेन बॉलर्स के रूप में है अब जब ये टीम पहले बैटिंग करेगी तो ये लाइनअप होगी अब जब ये बॉलिंग करने जाएंगे ना तो उस केस में इनके पास जो है एक सब्स्यूट से प्लेयर आएगा जो कि मोस्ट लाइकली या तो तीक्ष्णा होगा या मुकेश चौधरी होगा इस तरीके से कोई या तुषार देशपांडे ने भी आपको पता हो पिछले सीजन बहुत अच्छा काम किया था तो हो सकता है ये लोग तुषार देश को भी एज ए बॉलिंग के बेस पे ले आए ठीक है तो फिर जो कोई भी आएगा ना वो भी बॉलिंग करेगा ठीक है ये चीज़ ध्यान देना और फिर ओवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा जिसकी भी खराब बॉलिंग हुई उसके ओवर कट हो जाएंगे जिसने विकेट्स पे विकेट निकाले वो चार ओवर देंगे बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिनके चार ओवर के हाई चांस है जिनके कटने के चांस कम है उनमें देखिए शार्दुल ठाकुर से आप पूरी उम्मीद लगा सकते हो दीपक चहर से भी और रविंद्र जडेजा से भी रचिन रविंद्रा मुस्ताफीजूर और ये जो तीसरा कोई भी आएगा इनमें ओवर्स जो होंगे वो डिडक्शन रहने वाले ठीक है पावर प्ले में दीपक चहर का आना ये लगभग फिक्स है और पावर प्ले में दीपक चहर के अलावा या तो शार्दुल ठाकुर रविंद्र जडेजा के चांस थोड़े से कम है ठीक है और अगर मान के चलिए ठाकुर नहीं आता है तो जैसे तुषार देश पांडे या तीक्षणा भी पावर प्ले में आता है लेकिन अभी श्रीलंकन टीम भी इनको ज़्यादा यूज ली नहीं रही है पावर प्ले के अंदर तो देखते हैं बाकी देखिए एक्सपेक्टेड ये कि दीपक का आना ये लगभग फिक्स है अब ठाकुर का ठाकुर का क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेथ में आता है तो दीपक चैर के साथ जो भी जैसे कि तीक्ष्णा हो गया मुकेश चौधरी हो गया तुषार देशपांडे वो आने वाला है और डेथ की अगर मैं बात करता हूँ ठाकुर हंड्रेड परसेंट डेथ में आएगा और मोस्ट लाइकली वो आने वाला है मुस्ताफिजुर रहमान के साथ ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ स्टेट्स की जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज रहने वाली है क्योंकि स्टेट्स के बेस पे आपको पता लगेगा कि कौन सा प्लेयर इस मैच में आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ जो सी एस के नए कप्तान हैं दो हजार चौबीस में आगे भी देखते हैं कोई कैप्टन चेंज होगा नहीं बाकी मोस्ट लाइकली मुझे लगता नहीं है कि धोनी दो अब दोबारा से कैप्टनसी लेंगे क्योंकि आपने देखा होगा पहले जडेजा को कैप्टनसी दी फिर दोबारा दे दी अब कन्फर्म है और ये उम्मीद है मुझे फाइनल आ, सीजन भी होना चाहिए बाकी देखते हैं क्या होगा देखिए ऋतुराज गायकवाड़ की रिसेंट फॉर्म आप देखोगे तो काफी अच्छी है और भाई कैप्टन मेटेरियल प्लेयर है बंदा अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो ना तो आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते हो ये अगर ड्रॉप करते हो ये बेहुदा रिस्क है आप ऐसे प्लेयर को ड्रॉप मत करो जो ओपनर है अच्छी फॉर्म से आ रहा है पूरा मौका इसके पास अच्छा खासा स्कोर करने का और प्लेयर को कौन नहीं जानता बहुत अच्छा प्लेयर है रिसेंट फॉर्म एक तो सबसे अच्छी बहुत अच्छी इनकी रिसेंट फॉर्म है अच्छा टेक्निकल बैट्समैन है चाहे स्लो विकेट हो चाहे कैसा भी विकेट हो अच्छे खासे आपको ये पॉइंट दे देगा उसके अलावा रिसेंट फॉर्म के अलावा इनका वर्सेस का भी रिकॉर्ड आप देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है और वहीं अगर आप देखोगे इनका वेन्यू का रिकॉर्ड तो वो भी काफ़ी अच्छा है तीनों जगह पे बंदे ने काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड कायम करके रखा है टीम में हंड्रेड परसेंट होना चाहिए स्पेशली स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग वगैरह में आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो लेकिन मतलब स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ मैं तो वहाँ पर आप इनको ड्रॉप मत करना उसके बाद हम बात करेंगे रचिन रविंद्रा की एक बहुत ही अच्छे प्लेयर और दूसरा चीज ये हो जाएगा ना इनका बोलिंग बेकअप अब इनके बोलिंग बेकअप आने के कारण ये जो है ना कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में आ जाते हैं क्योंकि एक तो ओपन तो करेगा ही करेगा प्लस में बोलिंग और साथ में ये विकेट थोड़ा आपको मैंने बताया ना कि स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है तो ये जो है ना कैप्टनसी का अगर कैप्टन नहीं कर रहे हो तो वाइस कैप्टन का एक बहुत अच्छा चॉइस है ध्यान रख के चलना ठीक है उसके बाद इनका जो मैचेस होंगे ना वो तीनों जगह पहला मैच होगा यहाँ हम बात करेंगे अजिंक्य रहाणे की तो वर्सेस का रिकॉर्ड आप देखोगे एक मैच में ये टोटली जो नो रन इन्होंने स्कोर किया वो फ्लॉप है बाकी इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इस वेन्यू पे तो वेन्यू पे ठीक ठाक है देखिए अजिंक्य रहाणे से मुझे भी ज़्यादा उम्मीद है नहीं हालाँकि पिछला सीजन इनका बहुत ही तगड़ा गया था बहुत ही ज़्यादा गया था अच्छा अब बट इनका माइनस पॉइंट ये कि हिटिंग से गेम चलाएंगे तो कोई भी बॉल जैसे मान लो हवा में उछली तो डायरेक्टली विकेट है लेकिन अगर ये टिक गया तो फिर आपको कोई दूसरा प्लेयर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी ओवरऑल देखिए थोड़े रिस्की चॉइस होंगे लेकिन आप चाहो तो ले सकते हो और अगर सेफ चॉइस में आपको जाना है मतलब आपको बिल्कुल सेफ खेलना है तो इनसे बेस्ट गायकवाड़ हो गया और उसके अलावा और भी तो प्लेयर है ग्यारह प्लेयर की टीम बनती है फाव डू प्लेसिस विराट कोहली डेरिल मिचेल और भी अच्छे प्लेयर्स हैं मिनी जेल वगैरह जो लोग खेलते हैं वो रहने को टीम में जरूर लें स्मॉल लीग की टीम में रिस्क लेने वाले लें और एज ए नॉर्मल और सेफ खेलने वाले इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं मोइन अली की हम बात करते हैं मोइन अली का देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बड़ा जो मुझे वीक पॉइंट लगता है वो ये कि विकेट फेंक देते हैं बट इनका एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ कि बॉलिंग बेकअप साथ रहता है तो स्मॉल लीग में एक ठीक ठाक चॉइस है और ग्रैंड लीग में एक कैप्टन ही बना दो क्योंकि अगर आप इनका सिलेक्शन जाके देखोगे ना तो इनका सिलेक्शन बहुत ही कम है और इनको बहुत कम लोग लेंगे और मोइन अली आपको बताएं बहुत बड़ा प्लेयर है तो कैप्टनसी में आप ट्राई कर सकते हो स्पेशली और भी ज्यादा बेस्ट पता है कब हो जाएंगे जब आप इनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फ्लॉप होगा क्योंकि अगर टॉप ऑट ऑफ लोप होगा फिर बंदा आराम से टाइम लेके खेलेगा और वहां पे अच्छा खासा आपको ये स्कोरिंग और प्लस बॉलिंग बैकअप से पॉइंट दे सकता है ठीक है स्मॉल लीग में एवरेज प्लेयर ग्रैंड लीग के तो डायरेक्ट कैप्टन बोलूंगा मैं ठीक है क्योंकि स्मॉल लीग में एवरेज इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग के एक तो चांसेस कम है और बैटिंग में क्या होता है ये विकेट फेंक देते हैं लेकिन वही चीज़ आपको ग्रैंड लीग में फायदा देगी क्योंकि इनका सिलेक्शन स्मॉल लीग ही नहीं ग्रैंड लीग में भी काफ़ी कम है उसके बाद शिवम दुबे हैं बॉलिंग के चांस मुझे लग नहीं रहे कि बॉलिंग करेंगे लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है एक तो इनका रिकॉर्ड आप देखोगे ना आरसीबी के अगेंस्ट तो सबसे अच्छा रिकॉर्ड है इनका सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है आरसीबी के अगेंस्ट जिनमें देखोगे 52, 95 नाइनटी फाइव और फोर्टी और अगर मैं बात करता हूँ इस वेन्यू की तो इस वेन्यू पे ये मैच जो है इसमें ये फ्लोप है बाकी सारे मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है बहुत अच्छे प्लेयर है और टीम की फर्स्ट बैटिंग आती है तो इनको आप जरूर टीम में इंक्लूड करना और बोलिंग आती है तो फिर ये रिस्की चॉइस होंगे उसका रीजन ये है देखिए फर्स्ट बैटिंग पे क्यों लेना है मैं आपको ये बता देता हूँ फर्स्ट बैटिंग पे इसलिए लेना है क्योंकि आपको पता होगा एक बहुत ही बड़ा हीटर है विस्फोटक बल्लेबाज है जैसे मान लो पंद्रह सोलह ओवर में भी इनकी बैटिंग आती है ना तो इनको भी पता है कि भाई मुझे जो भेजा गया है वो हिटिंग के लिए ठीक है तो ये प्योर हिटिंग करे और ऐसा नहीं है अजिंक्य रहने की तरह कि हिटिंग कर रहे हैं और कैच उछल गया नहीं अगर बल्ला चला तो सीधा छक्का जाएगा तो उस केस में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा लेकिन सेकेंड इनिंग में ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि जैसे मान लो आर की टीम है उन्होंने ज्यादा स्कोर नहीं किया ठीक है एग्जाम्पल ले लो अब आर की टीम ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया तो अब ये बैटिंग करेंगे एक तो पाँचवें नंबर पर तो इनकी बैटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे दूसरी चीज मान लो अगर ये टीम मतलब बॉलिंग करती है इनकी बैटिंग भी आ जाती है तो उस केस में भी ज़्यादा रन अगर नहीं रहते तो बैटिंग आने से भी इनका कोई पॉइंट रहेगा नहीं तो फर्स्ट बैटिंग में तो फिर भी मैं आपको बोलूंगा आप इनको लो लेकिन सेकंड बैटिंग पे उतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहेंगे ठीक है उसके बाद डेरिल मिचेल है अगर देखिए बैटिंग ऑर्डर छठे नंबर पे इनका रहता है तो मैं लिटरली बता रहा हूं मैं नहीं लूंगा अगर यही बंदा चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर इनका बैटिंग ऑर्डर मैंशन होता है तो मैं लूंगा बॉलिंग के चांस है नहीं और बैटिंग नीचे करेगा इनसे पहले मैं दुबे को ले लूंगा प्लेयर बहुत अच्छा है लेकिन भाई इतने नीचे बैटिंग करेगा तो मैं क्यों लूंगा मैं उन प्लेयरों को लूंगा जिनके पास पूरा मौका है परफॉर्मेंस का जिनकी बैटिंग ऊपर आती है और ग्यारह प्लेयर की टीम बनती है ग्यारह प्लेयर में अगर आप बैटिंग में भी देखोगे ना डुप्लेसिस विराट कोहली गायकवाड़ पहले तीन बैट्समैन तो अवेलेबल है तो टीम में आप या तो अगर ले रहे हो ना तो मिनी जेल वगैरह खेलते हो तो लो या स्मॉल लीग में ले रहे हो तो फिर आप जैसे सिराज वगैरह को वाइस कैप्टन बनाओ और टॉप ऑर्डर को बिल्कुल खत्म कर दो तब जाके इनका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद एम एस धोनी है देखिए एम एस धोनी और दिनेश कार्तिक दोनों की कंडीशन बैटिंग में बिल्कुल सेम मान लो आप ठीक है तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा हट के विकेट कीपर लेने के लिए और वो होगा अनुज रावत अनुज रावत का सिलेक्शन जाके देखना अभी भी जाके देख लो ड्रीम इलेवन पे तेरह परसेंट है और अनुज रावत आपके लिए डिफरेंशियल विकेट कीपर रह सकता है क्योंकि एक बहुत ही प्यारा प्लेयर इनका देखिए माइनस पॉइंट क्या है एक तो एम एस धोनी का माइनस पॉइंट ये सातवें नंबर पर बैटिंग और दिनेश कार्तिक का भी सेम है बस दिनेश कार्तिक थोड़े से एम एस धोनी से अच्छे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दिनेश कार्तिक क्लीन हिटिंग से बैटिंग करते हैं और एम एस धोनी भी लेकिन करते हैं लेकिन मतलब वो लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कार्तिक का मिलेगा और अनुज रावत इसलिए डिफरेंशियल बन जाएगा क्योंकि वो इन दोनों से ऊपर बैटिंग करेगा ठीक है उसके बाद यहां पे आएंगे रविंद्र जडेजा एक बहुत ही अच्छे प्लेयर ऐसे प्लेयर जिनको टीम में तो लेना ही लेना है नहीं उसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में आपको रखना है इनका रिकॉर्ड आप देखोगे रिसेंट फॉर्म काफी अच्छी इनकी वर्सेस का रिकॉर्ड देखोगे तो वो भी ठीक ठाक है अच्छा ही मान लो उसके अलावा इनका वेन्यू का रिकॉर्ड वो भी अच्छा है और उसके अलावा एक और चीज आपको देखने को मिलेगी इसी वेन्यू पे इस टीम के अगेंस्ट यानी कि आरसीबी के अगेंस्ट चेपक के वेन्यू पे ये जो परफॉर्मेंस है वो इसी वेन्यू का है और जडेजा के बारे में बात करना ये बेवकूफी है क्योंकि सबको पता है कि कितना प्यारा और कितना अच्छा प्लेयर रहने वाला है टीम में चाहे आप स्मॉल खेलो चाहे आप लीग खेलो दोनों जगह इनको लेना ही लेना है शार्दुल ठाकुर को टीम में मैं तब लूंगा जब पहले बॉलिंग आएगी टीम की क्योंकि ये बंदा डेथ में आएगा और डेथ में आने का मतलब है विकेट मिलेगा और अगर टीम की पहले बॉलिंग नहीं आती है प्लेयर तो तब भी इंपॉर्टेंट होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितनी पहली बॉलिंग पे होगा ठीक है उसके और इनका एक और चीज़ मैं आपको बता दूं बॉलिंग के अलावा ये बैटिंग से भी आपको बैकअप देंगे देन उनके बाद आएंगे दीपक चहर दीपक चहर का देखिए सिंपल सा सीन है अगर ग्रास ज्यादा हुई तो विकेट पे विकेट और नई हुई सूखा विकेट रहा तो इनकी बहुत भयंकर पिटाई होने वाली है ठीक है अगर आप इनको ले रहे हो ना तो डू प्लेसिस विराट कोहली जैसे प्लेयर को ड्रॉप कर देना और अगर आप उन दोनों को ले रहे हो तो आप इनको ड्रॉप करने का कर। रिस्क ले सकते हो क्योंकि यह चीज आपको मैं क्लियर कर दू इनके तीन ओवर तो लगभग लगभग पावर प्ले में फिनिश हो जाएंगे तो अगर दोनों को आप विराट कोहली और डू को ले रहे हो तो इनको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है और अगर आप इनको ले रहे हो तो उनको मत लेना क्योंकि अगर ये तीन ओवर करेंगे तो विकेट्स तो निकालेंगे ना और अगर ऐसा भी नहीं है चौथा ओवर कोई डेथ में आएगा पंद्रह सोलह ओवर जब हो जाएंगे उस मतलब पंद्रह सोलह ओवर से पहले इनका एक ओवर में फिनिश हो जाएगा उसके बाद मुस्ताफिजुर रहमान है बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन भाई ये भी केवल तभी इंपॉर्टेंट होगा जब पहले बॉलिंग होगी ये भी सेम शार्दुल ठाकुर की तरह डेथ में आएगा एक बार के लिए मैं ये भी बोल सकता हूं कि ठाकुर को पहली बॉलिंग पे भी और पहली बैटिंग पे दोनों पर ले सकते हो लेकिन मुस्ताफीजिर को केवल आप पहली बॉलिंग पे लेना क्योंकि ये केवल विकेट डेथ में निकालता है ठीक है और उसके बाद और ये है भी डेथ का ही बोलर ठाकुर तो फिर भी आपको दोनों कंडीशंस पर विकेट निकालता हुआ नजर आ जाएगा लेकिन मुस्ताफी मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ में लेता है अभी श्रीलंका के अगेंस्ट इनकी सीरीज हुई थी आपको बताओ इंजर्ड भी हो गया था तीन मैच के अंदर दो विकेट और वो भी विकेट कब डेथ में वरना इनको विकेट मिलते नहीं है ज्यादातर ठीक है अच्छी फॉर्म में नहीं है मेनली तो वरना अगर अच्छी फॉर्म में हो तो 100 परसेंट टीम में हो ठीक है अब ये इनके सब प्लेयर मान लो इम्पैक्ट प्लेयर मान लो देखिए सिंपल सा सीन है मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ये टीम पहले बैटिंग करेगी तो बैट्समैन जो है प्लेइंग इलेवन में रहेगा और बॉलिंग करेगी तो बॉलर प्लेइंग इलेवन में होगा और एक्सपेक्टेड ये है कि अगर कोई प्लेयर आएगा तो ये तीनों में से कोई आएगा ये पाथिर तो है ही नहीं तीक्ष्णा मुकेश चौधरी और तुषार देश में से और जैसे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये लोग जो है ना अगर इनका जैसे मान लो बैटिंग ऑर्डर में बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस आता है टॉप ऑर्डर बिल्कुल कोलेप्स हो गया है ना मतलब आउट हो गए सौ रन से पहले तो सौ तो छोड़ो सो तो बहुत ज्यादा हो गए पचास रन से पहले पा, चार पांच विकेट चले गए ना तो फिर ये बॉलर का इंतजार नहीं करेंगे फिर ये डायरेक्टली समीर रिजवी के साथ भी जा सकते हैं जो प्योर हीटर है तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है लेकिन वो कंडीशन वाइज है उसके अलावा यहाँ पे और भी प्लेयर है लेकिन चांस काफी कम है कि कोई प्लेयर खेलेगा ठीक है अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो कर देना और आपको ये भी बता दूं अगर आप भूल गए हो तो ठीक है कि आप सबके लिए जो है ना इस वीडियो में गिव अवे रहने वाला है जिसमें क्या होगा पांच रैंडम कमेंट में सेलेक्ट करूंगा यानी कि आप वीडियो तो देख ही रहे हो आप कमेंट करो अगर आपका कमेंट सिलेक्शन में आ जाता है तो भाई एक सौ रुपए से लेके एक हजार रुपए तक आपको फ्री मिलने वाले जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी को नौ मिल गए किसी को छह रुपए मिल गए किसी को सात मिल गए इस तरीके से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा दूसरी चीज ये ध्यान रखना ये जितने भी प्राइजेस है ना ये पूरे आई में चलेंगे हर वीडियो में आने वाले हैं और तीसरी चीज ये कि ये गिव अवे केवल उन लोगों के लिए है जो कि चैनल के सब्सक्राइबर से और जो इस वीडियो को लाइक करेंगे और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है इस गिव अवे को जीतने के लिए आपको चैनल का लोगो आपकी यूट्यूब की प्रोफाइल में लगाना होगा अगर आप ये नहीं लगाते हो तो फिर मेरे भाई आपको कोई प्राइज नहीं मिलेगा और उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलूंगा ठीक है तो लाइक कर देना और ये फ्री का गिव अवे जो रहने वाला है ना मोबाइल फोन का वो आपके लिए रहने वाला है यहाँ पे लीग इलेवन एप्लीकेशन पे जिसने लीग इलेवन ऐप को डाउनलोड नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है मैं आपको इतना और बता दू आई के एम फैमिली के लिए मैंने अलग से आई के अंदर लीडर बोर्ड भी लगाया है जिसमें पांच लोगों को शायद वन प्लस का मोबाइल मिलने वाला है एट दी एंड ऑफ टूर्नामेंट ठीक है वो मैं आपको टेलीग्राम पे सही तरीके से समझा दूंगा फिलहाल की और दूसरी चीज ये कि आपके लिए जो है ना फुकेट का लीडर बोर्ड भी चल रहा है अगर आप 25 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे फुकेट फ्री में जाने के लिए ठीक है तो डाउनलोड अगर आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है डाउनलोड कर लेना हर मैच में आईफोन का एक कॉन्टेस्ट होगा जो आप बाईस पे करके आईफोन भी जीत सकते हो चलो आप कंटिन्यू करते हैं हम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ देखिए यहां से आपको विराट कोहली और फाफ डू ओपन करते हुए नजर आएंगे वन डाउन आएंगे रजत पाटीदार फिर उसके बाद ग्लैन मैक्सवेल कैमरॉन ग्रीन महिपाल लोमरोर अनुज रावत दिनेश कार्तिक यहाँ तक की एक चीज़ और मैं आपको बता दूंगा कि देखिए अनुज रावत का जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो कभी भी प्रमोट हो सकता है ठीक है और अनुज रावत एक एक चीज़ और ये ध्यान रख के चलना अगर अनुज रावत का बैटिंग ऑर्डर यहाँ यहीं पे सेम मेंशन होता है जैसे कि यहाँ पे महिपाल लोमरोर है कैमरोन ग्रीन पांचवे पे ये लगभग कंफर्म है तो अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा रजत पाटीदार के मतलब अनुज रावत जो है आपको पता होगा टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता था पिछले सीजन में अगर इस सीजन में सेम होता है टॉप ऑर्डर में इनका नाम आता है तो इनको लेना वरना दिनेश कार्तिक ज्यादा बेस्ट होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि अनुज रावत आपका डिफरेंशियल प्लेयर बन सकता है लेकिन उसका रीजन था उसका टॉप ऑर्डर में मैंशन होना लेकिन अभी ये टॉप ऑर्डर में नहीं है बल्कि लोअर ऑर्डर में तो इनसे बेस्ट आपके लिए कार्तिक होगा उसका रीजन क्योंकि कार्तिक हिटिंग प्लस विकेट कीपिंग का बैकअप आपको देने वाला है और अगर अनुज रावत ऊपर मेंशन होता है जिसके चांस मुझे लग नहीं रहे अब तो फिर आपको ले लेना है ठीक है बाकी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और टीम तो मेरी मिली जाएगी उसके बाद करण शर्मा है लोकी फर्ग्यूसन है और मोहम्मद सिराज है ये टीम की प्लेइंग इलेवन रहने वाली है जो कि लगभग बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से इनके सब्स्यूट की कि भाई कौन सा प्लेयर आ सकता है तो देखिए इनकी तरफ से मोस्ट लाइकली आना चाहिए व्यासक विजय कुमार या जैसे कि आप ले लो सुयाश प्रभु देसाई बैटिंग में और बॉलिंग में आप देखोगे तो आकाशदीप और व्यासक विजय कुमार दो ऑप्शन है जो कोई भी आ सकता है बैटिंग में मुझे जहाँ तक अंदाज है सुयास आना चाहिए और बाकी तो मैं फिर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसमें कोई डाउट ही नहीं है ठीक है देखिए ये जो प्लेइंग लोन आप स्क्रीन पे देख रहे हो अगर मैं काउंट करता हूँ इनके बॉलिंग अटैक की भाई कौन से बॉलर ऐसे हैं जो चार ओवर के हाई चांसेस रखते हैं तो चार ओवर के हाई चांसेस रखने वाले प्लेयरों का अगर मैं नाम लेता हूं तो लगभग लगभग मोहम्मद सिराज चार ओवर उसके अलावा लोकी फर्ग्यूसन चार ओवर और, और अगर स्पिनर्स को अच्छी खासी हेल्प होती है तो चार ओवर करण शर्मा के भी आप इंक्लूड कर लेना लेकिन करण शर्मा को पता है मैं क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चार चार लेफ्ट है तो या तो बहुत तगड़ी स्पिन होना तो इनके चार ओवर आएंगे वरना मुझे चांस थोड़े कम लग रहे हैं तो आप इनको एक बार हटा के ना मैक्सवेल को इंक्लूड कर लेना और मैक्सवेल को इंक्लूड क्यों करोगे ये आप सबको मालूम होगा क्योंकि चार लेफ्ट है तो चांसेस काफी हाई है कि ये ओवर करने चाहिए ठीक है और अगर इनकी पिटाई बहुत भयंकर हो रही है ना तो ही चांस कम है वरना चांसेस हाई चांस है कि करेगा चार ओवर तो चार 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 यानी कि सोलह ओवर तो आपके स्क्रीन के सामने यहां पे आ गए बच्चे कितने आठ ओवर ठीक है बारह ओवर हो गए सॉरी बारह ओवर तो ये हो गए तो बच्चे कितने आठ ओवर अब उन आठ ओवर की अगर मैं बात करता हूं तो मोस्ट लाइकली देखिए आपको जो यहां से बॉलर दिखेगा वो चार आ, ओवर आ, मतलब निकालता हुआ नजर आएगा उसके अलावा कैमरोन ग्रीन है और करण शर्मा फिर वो डिवाइड हो जाएगा जिसने अच्छी बॉलिंग की उसके ओवर मतलब भरते जाएंगे जिसने खराब बॉलिंग की उसके ओवर कट हो जाएंगे ठीक है बाकी ये कंफर्म है कि ये दो और एक मैक्सवेल इनके तीन के हाई चांसेज है चार चार ओवर और जो बच्चे आठ ओवर है बारह ओवर तो ये हो ही गए ना बच्चे आठ ओवर है वो तीन प्लेयरों में डिवाइड होने वाले हैं ठीक है पावर प्ले में लोकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद सिराज ये दोनों आएंगे और ये दोनों डेथ में भी आएंगे लेकिन डेथ में इनके साथ अगर कैमरून ग्रीन करता है तो वो वरना यहाँ पे जैसे जो भी खेलता है आकाशदीप याशक या, या, विजय कुमार ये जो भी मतलब इनमें से खेलेगा वो डेथ के अंदर आने वाला है अब हम बात करते हैं प्लेयरों के स्टेट्स की कि कौन से प्लेयरों ने चेन्नई के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना के रखा है वहीं इस वेन्यू पे उसका रिकॉर्ड कैसा है और रीसेंट फॉर्म कैसी है ठीक है तो सबसे पहले लीजेंड विराट कोहली जिनके बारे में बात करने की नीड है नहीं आप सबको पता होगा सबसे सेफ कैप्टन चॉइस से, है स्मॉल लीग के अंदर ठीक है इनकी रिसेंट फॉर्म बहुत ही प्यारी बहुत ही शानदार भाई मैं अगर बात करूँ ना तो डायरेक्ट कैप्टन मटेरियल पे रही है ठीक है और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इनके वर्सेस के रिकॉर्ड की तो वर्सेस का रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक है मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लगभग लगभग एवरेज मान लो आप ठीक है उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं इनके वेन्यू के रिकॉर्ड की तो वो काफ़ी अच्छा है और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ वर्सेस वेन्यू की तो वो और भी शानदार है बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है वर्सेस वेन्यू पे ठीक है मतलब इसी वेन्यू पे इसी टीम के अगेंस्ट अब मैं आपको बताऊँगा विराट कोहली क्या है काफ़ी दिनों के बाद आपको बताऊंगा टी का मैच खेल रहे हैं तो मैं हालाँकि कैप्टनसी की तो ये सबसे बेस्ट चॉइस है सबसे सेफ चॉइस है लेकिन मैं इस मैच में कैप्टन नहीं बनाऊँगा थोड़ा सा एक तो रीज़न ये कि काफ़ी दिनों के बाद और दूसरी चीज ये कि ये जो रविंद्र जडे ये ना नए जो बॉलर होते हैं ना उनके आगे विराट कोहली मोस्ट ऑफ द टाइम फंसते हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और दूसरी तीसरी चीज़ ये कि देखिए कैप्टनसी के लिए विराट कोहली के अलावा मेरे पास ऑलरेडी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आपको पता होगा अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि कौन बेस्ट चॉइस रहना चाहिए ठीक है जो मेरा है भी ठीक है जिन्होंने वीडियो देखा उनको चलो मैं बता देता हूँ यार बाद में कई लोग ऐसे होते हैं जो स्कीप कर करके मतलब वीडियो को देखते रहते हैं तो मेरा जो स्मॉल लीग का कैप्टन रहने वाला है ना वो ग्लैन मैक्सवेल है आप उसका रीजन देखने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ठीक है थीके? बाकी देखिए विराट कोहली के बाद आएंगे ओपन मतलब विराट कोहली के साथ ओपन करेंगे फाइव डू प्लेसिस जिनका वर्सेज का रिकॉर्ड अच्छा है और वेन्यू का भी रिकॉर्ड अच्छा है आप देखिए वर्सेज वेन्यू पर इनका पहला मैच है क्योंकि ये पहले चेन्नई सुपर किंग्स में थे ठीक है देन आएंगे रजत पाटीदार जो आ, मतलब वही सेम काम करेंगे जो अजिंक्य रहाने सेम काम करेंगे जो अजिंक्य रहाने करेंगे वहां पे वो हिटिंग करेंगे यहाँ पे ये हिटिंग करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे ग्लैंड मैक्सवेल है मैक्सवेल कैप्टनसी के बेस्ट चॉइस है और मैं आपको ये भी बता दूँ चेन्नई के अगेंस्ट जो सबसे बढ़िया रिकॉर्ड रखते हैं ना वो मैक्सवेल ही है जो अभी तक जितने भी प्लेयर आपके स्क्रीन के सामने सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है इनका उसके बाद महिपाल लोमरो और स्मॉल लीग में तो मैं इनका कोई नाम नहीं लूंगा ग्रैंडली वगैरह में ट्राई कर सकते हो वो भी तब जब आप टॉप ऑर्डर को बिल्कुल एक्सपेक्ट करोगे वो फ्लॉप होगा या फिर ये भी सेम काम कर सकते हैं शू दुबे वाला कि जैसे टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा गए लेकिन फिर बताएँ अगर इनको टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा गया ना तो लॉन्ग रोड नहीं आएगा फिर डायरेक्टली दिनेश कार्तिक को ये लोग भेजेंगे इसलिए मैं इनको इतना सजेस्ट करूंगा नहीं एक बार दुबे तो फिर भी मैं सजेस्ट कर दूंगा लेकिन ये थोड़े से रिस्की चॉइस हो जाएंगे अनुज रावत देखिए प्लेयर अब इतने नीचे बैटिंग करेगा तो मैं क्यों लूंगा मैं नहीं लूंगा मैं डायरेक्टली फिर कार्तिक और धोनी के साथ ही जाऊंगा जिसमें धोनी से बढ़िया कार्तिक ही रहने वाला है स्मॉल लीग के बेस पे तो कार्तिक ही बेस्ट होगा कैमरॉन ग्रीन की मैं बात करता हूँ एक बहुत अच्छे प्लेयर और अगर बॉलिंग करते हैं तो बहुत ही शानदार मतलब तब तो हंड्रेड टीम में लेना है फिर भी देखिए टीम में तो लेना ही है लेकिन अगर बॉलिंग बेस इनके पास होता है कि यानी कि बॉलिंग करेंगे चांसेस मुझे लग रहे हैं करने चाहिए तो उस केस में आप मिनी जेल वगैरह अगर खेलते हो ना तो वाइस कैप्टन आप इनको बना सकते हो ठीक है उसके बाद दिनेश कार्तिक है एक बहुत अच्छे प्लेयर विकेट कीपिंग में तीन ही प्लेयर अवेलेबल है रावत है कार्तिक है धोनी है ठीक है तो रावत को तो एक बार हटा देना आप साइड में धोनी और कार्तिक बचे तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कार्तिक के साथ जाना बाकी प्लेयर दोनों सेम है दोनों अच्छे हैं लेकिन बस थोड़ा सा क्लीन हिटिंग जो है ना कार्तिक ज़्यादा बढ़िया तरीके से करेंगे और फिर विकेट कीपिंग दोनों सेम करने वाले ही तो वो तो लक फैक्टर वाला कॉल है किसके पास कैच आ रहा है कौन रनआउट कर रहा है उसका तो सीन अलग ही है ठीक है करण शर्मा की मैं बात करता हूँ वर्सेस में इन्होंने तीन विकेट लिए हुए हैं वेन्यू पे बिल्कुल फ्लॉप है और इसी वेन्यू पे इनके मैचेस हुए हैं जो टोटली फ्लॉप रहे हैं ठीक है बट हाँ अगर विकेट थोड़ा सा स्लो होता है मतलब पिच रिपोर्ट में आता है कि विकेट स्लो होगा उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे उसके बाद लोकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद सिराज देखिए मोहम्मद सिराज का सीन ऐसा है ना कि आप इनको तो दोनों कंडीशन में लेना अगर टीम ये पहले बॉलिंग करती है तो भी अगर ये टीम बैटिंग करती है तो भी अब मैं बात करता हूँ फर्ग्यूसन की तो फर्ग्यूसन का हाल सेम वैसा है जैसे ठाकुर का है जैसे ठाकुर को फर्स्ट बॉलिंग पे लेना है ऐसे ही यहाँ पे इनको भी फर्स्ट बॉलिंग पे ही टीम के अंदर इंक्लूड करना है वो भी इसीलिए क्योंकि ये भी डेथ में आते हैं और ये भी डेथ के प्योर विकेट टेकर बॉलर है उसके बाद ये इनके बेंच के प्लेयर है जिसमें आपको बता ही दिया हूँ मैं कि जो इनके सब का सीन है अगर इनकी पहले बैटिंग आती है तो सुयाश को ये लोग जो है मतलब प्लेइंग लेवन में ले जाएंगे और इनकी अगर पहले बैटिंग आके फिर बाद में जब बॉलिंग आएगी तो या तो व्याशक विजय कुमार या जैसे कि यहाँ पे आकाशदीप यश दयाल भी है अब यश दयाल को पता नहीं भाई आर के जो कारनामे वो बहुत ही तगड़े हैं यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यश दयाल का जब मैंने नाम लिया ठीक है बाकी देखिए अब यहाँ से हम प्लेयर बैटल का नाम मतलब प्लेयर बैटल को देखते हैं कि कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो कंडीशन के हिसाब से बैटल रखते हैं जैसे अभी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ देखिए विराट कोहली का आपको प्लेयर बैटल देखने को मिलेगा दीपक चहर से अब क्यों देखने को मिलेगा आपको समझ में आ रहा है क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बता दू विराट कोहली क्या करेगा ओपन करेगा वहीं पे दीपक चहर भी क्या करेगा पावर प्ले में बॉलिंग करेगा ना तो अगर आप ये स्मॉल लीग में भी काम करेगा और ये ग्रैंड लीग में भी काम करेगा जैसे अगर आप दीपक चहर को ले रहे हो और अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो दीपक चहर को आप क्या करना कैप्टन बना देना और विराट कोहली को लेना ही मत ये चीज़ आपको करनी है क्योंकि वो तीन ओवर करेगा और फिर विराट कोहली के साथ साथ जो भी टॉप ऑर्डर में आर के प्लेयर है जैसे डू है वन डाउन जो भी आएगा वो सेकंड डाउन मैक्सवेल तो चलो सेकंड डाउन तक तो काम चल जाता है जैसे रजत पाटीदार को भी हटा दिया मैक्सवेल को भी ये डुप्लेसिस को भी हटा दिया कोहली को भी हटा दिया तीनों को हटा के फिर क्या नाम है आपके दीपक चर को कैप्टन कर दो और अगर आप कोहली को कैप्टन बना रहे हो तो फिर दीपक चर को आप स्मॉल लीग में मतलब हटा सकते हो कोई आपको ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी देखिए कोहली को इन्होंने 49 नाइन बोल्स के अंदर एक बार आउट किया हुआ है उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सवेल वर्सेस रविंद्र जडेजा देखिए मैक्सवेल को जडेजा ने ना छह बार आउट किया है जो कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रखते हैं आउट होने का आर का, का कोई प्लेयर जो जडेजा के अगेंस्ट आउट हुआ है तो वो यही है अब मैक्सवेल का मैं आपको एक चीज बता देता हूँ मैक्सवेल जो है ना थोड़ी इज्जत वाला बंदा है मतलब मैक्सवेल का क्या सीन होता है कि इनको हिट करना ही होता है मतलब आता है ना गुस्सा कि भाई तेरे को तो मैं मारूंगा तो उस चक्कर में क्या है जड़ेजा इनको ले जाते हैं लेकिन अभी आप देखते होंगे मैक्सवेल वो प्लेयर नहीं रहा मैक्सवेल आराम से प्यार से खेलने लगा है तो उस केस में पहले का रिकॉर्ड तो देखिए आपकी स्क्रीन के लिए इनके सामने और जो चीज होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं लेकिन अब जो है ना आप कैप्टन बना सकते हो मैक्सवेल को एक तो अच्छी फॉर्म है आराम से अभी, अभी अभी आपको पता हो इनका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक सीरीज आई थी ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की पूरे अकेले बंदे ने मैच जिताया था टी का ही मैच और वही सेम ये चीज़ जो इनके पास जड़े जाए ना कि इनको आउट करने वाला कोई प्लेयर आ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वैसे वहाँ पे भी अवेलेबल थे अकील हुसैन जैसे प्लेयर नाम सुना होगा किल हुसैन जैसे प्लेयरों का तो वो भी सेम काम करते हैं लेकिन उनको रोक के अदर प्लेयर को आउट करना तो ये चीज देखिए मैक्सवेल के साथ हुई है जो मैंने आपको बता दी है ईगो प्रॉब्लम है थोड़ी और बाकी अगर मैक्सवेल आराम से इनको संभाल लिया तो फिर कोई रोकने वाला इनको होगा नहीं ठीक है बट बैटल है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया उसके बाद दिनेश कार्तिक का बैटल आपको ठाकुर के साथ देखने को मिलेगा और ये आपको देखने को मिलेगा डेथ ओवर्स में आपको बताएं जो कार्तिक है वो एंडिंग ओवर्स में बैटिंग करता है और डेथ हॉर्स में बॉलिंग कौन करेगा ठाकुर तो यह बैटल भी जिन्होंने ठाकुर ने 26 बॉल में इनको एक बार आउट भी किया हुआ है गायकवाड़ वर्सेस मोहम्मद सिराज का अब यह बैटल आपको समझना है ना तो जो मैंने आपको दीपक चैर वर्सेस कोहली का बताया सेम बैटल है ये यह भी ओपन करेगा वो भी पावर प्ले में आएगा ठीक है उसके अलावा भी इन्होंने उनचालीस बॉल में इनको एक बार आउट किया हुआ है देन उनके बाद आएंगे अजिंक्य राणे और सिराज अजिंक्य राणे से तो मुझे पूरी उम्मीद है या तो बहुत बुरा मारेगा या विकेट फेंक के जाएगा इनके 21 बॉल में अगर आप देखोगे आठ रन बनाने दिए केवल आठ रन बनाने दिए देख लो आप सिराज ने 21 बॉल फेंक के केवल आठ रन बनाने दिया जिंके रहने को और एक बार उसमें इसका आउट भी किया है शिवम दुबे वर्सेस करण शर्मा अठारह बॉल में एक बार आउट किया है धोनी और सिराज का बैटल है लेकिन धोनी को आउट सिराज ने अभी तक किया नहीं है और उसके अलावा तीन बैटल और है जिसमें ये जो बैटल है ना ये आपको ग्राउंड पे देखने को मिलेगा और इसका रीजन अभी आपको पता है थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि ये बैटल आपको क्यों देखने को मिलेगा ईगो वाला सीन समझा है ना वही सीन है ये ठीक है फिर विराट कोहली का और जडेजा का ये भी आपको बैटल देखने को मिलेगा और तीसरी चीज ये कि रविंद्र जडेजा का मोहम्मद सिराज से भी आपको बैटल देखने को मिलेगा ये तीन प्राइम बैटल है जिनका आपको ध्यान रखना है आपकी टीम बनाते वक्त ठीक है नाउ अब हम बात कर लेते हैं गिव अवे की देखिए गिव अवे बहुत ही सिंपल है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस कंडीशंस जरूर फॉलो करनी है चैनल सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और उसके अलावा चैनल का लोगो लगाना अगर आप लोगो नहीं लगाते हो ना तो फिर आपको कोई प्राइज नहीं मिलेगा सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं जो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा लाइक और कमेंट किया वो बंदे कांग्रेचुलेशन पूरी आई के एम फैमिली की तरफ से क्योंकि वो सौ रुपए से लेके एक हजार के बीच में अमाउंट जीत चुके हैं अब वो कितना मिलेगा वो मेरे ऊपर डिपेंड दूसरी है दूसरी चीज ये ये जो मोबाइल का गिव अवे आप लोग देख रहे हो ना ये आप जाना लीग इलेवन एप्लीकेशन पे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहां पे आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा जिसमें जीरो रुपए की एंट्री है आपको कुछ देना नहीं है रैंक वन अगर आपकी आती है उस कॉन्टेस्ट में प्राइवेट कॉन्टेस्ट होगा वो सिर्फ आई फैमिली वालों को दिखेगा तो भी आप लोग ये मोबाइल फोन जीत जाओगे तीसरी चीज ये रेंडम कमेंट यानी कि आप वीडियो तो देख ही रहे हो आप कॉमेंट करो अगर आपका कॉमेंट पांच लोगों का मैं सेलेक्ट करता हूँ रेंडमली तब भी आपको प्राइज मिलने वाला है और पांच वो लोग होंगे जिनके कमेंट सबसे ज्यादा लाइक किए जाएंगे ठीक है अगर आपके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक आते हैं पांच लोगों के तब भी आपको प्राइज मिलने वाला है तो और ये गिव अवे पूरे आईपीएल में कंटिन्यू रहेगा हालांकि यहां पे मैंने थोड़ा सा टाइम लिया आपका तीसरी बार मैं शायद ये दिखा रहा हूं लेकिन आने वाली वीडियोस में ये टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं यहां पे ये चीज समझा चुका हूं ठीक है चलो अब ये चीज फ्री हो गई है बस हाँ ये ध्यान रखना गिव अवे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए और वीडियो को जो लाइक करेंगे उनके लिए और वीडियो में दस हज़ार लाइक्स का टारगेट है कंप्लीट करवा देना चलो टीम क्या है इस मैच की उससे पहले याद दिला दूं अगर आपने लीग इलेवन ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट इस मैच में रहेगा ना वो यही रहेगा और एक लाख दो लाख इतने का नहीं कम से कम दस पंद्रह लाख का इन्वेस्टमेंट होगा तो डिस्क्रिप्शन यानी कि दस पंद्रह लाख रुपये की टीम फ्री में देने वाला हूँ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर लेकिन उससे पहले आपको करना है लीग इलेवन ऐप को डाउनलोड जिसने नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है चलो टीम क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ लेकिन याद रखना अगर आप भूल गए हो तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना क्योंकि फाइनल टीम फाइनल पिच रिपोर्ट फाइनल बैटिंग ऑर्डर और जो भी मैच से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो आपको यहीं पे मिलने वाले हैं ठीक है सब्सक्राइब उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा टीम क्या मेरी इस मैच में रहने वाली है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं सबसे पहले मैं आपको लीग इलेवन की टीम दिखाता हूं जहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है और उसके अलावा आप देखो ये जो मोबाइल का अवे है ना ये सिर्फ और सिर्फ आई के एम फैमिली के लिए ये उन लोगों को दिखेगा जो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किए हैं ऐप को ठीक है और ये जो बारह बाईस का ये तो चलो भर गया इसमें तो दो सौ बावन पैंतालीस मेंबर लेफ्ट है तो ये तो भर गया और उसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा कि पच्चीस हज़ार रुपये का फ्री गिव अवे लेकिन इस चीज इस अवे की ये बात मतलब फ़ायदा क्या है कि ये सबको दिखेगा जो भी कैसे भी डाउनलोड किए हो ठीक है टीम देख लेते इस मैच की जो मेरी रहने वाली है देखिए मैं आपको बता दूं ये जो भी मैं आपको टीम दे रहा हूं ये सिर्फ डेमो टीम है फाइनल टीम अकॉर्डिंग टू तो टॉस कंडीशन और पिच रिपोर्ट के चेंज होगी जो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा विकेट कीपिंग में मैंने कार्तिक को लिया उसका रीजन आपको मैंने वीडियो में समझाया जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको ये चीज़ का मालूम होगा बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ विराट कोहली फाफडू प्लेसिस और उसके अलावा यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ शिवम दुबे और डेरिल मिचेल चेल ये दो अदर साइड बहुत बेस्ट ऑप्शन है जिनको अगर आप टीम में चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो लेकिन मैं इसलिए ले नहीं ले रहा हूं क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है मैं दुबे को जरूर ले सकता हूं अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है तो ऑलराउंडर सेक्शन में रविंद्र जडेजा ग्लैन मैक्सवेल और रचिन रविंद्रा इन तीन प्लेयरों को मैंने टीम में इंक्लूड किया हुआ है और चौथा कैमरोन ग्रीन देखिए कैमरोन ग्रीन की जगह आप मोइन अली के साथ जा सकते हो लेकिन कैमरोन ग्रीन अगर बॉलिंग करेगा ना तो वो डेथ ओवर्स में आएगा और आपको पता है डेथ में आने वाले प्लेयर का मैं किसी हालत में नहीं छोड़ता हूं ठीक है तो कैमलोन ग्रीन की जगह अगर आप चाहो तो फिर भी एक्सचेंज कर सकते हो मोइन अली को ले सकते हो फिर अब हम बात करते हैं बॉलिंग की तो बॉलिंग में सिराज तो हमारा भाई फिक्स पहले ही है ठीक है मोहम्मद सिराज तो मतलब मेरी टीम में हंड्रेड परसेंट रहने वाला है अब बसते दो बॉलर अब दो बॉलर मैं आपको बता देता हूँ देखिए जब ये टीम पहले बॉलिंग करेगी आर तो लोकी फर्ग्यूसन टीम में कन्फर्म मेरी रहेगा और उसके अलावा तीसरा प्लेयर मेरा रहने वाला है यहाँ पे शार्दुल ठाकुर ठीक है ये मेरी जो अभी आप स्क्रीन पे टीम देख रहे हो बहुत कम चांस है कि मेरी इस टीम में कोई चेंज होगा एक चेंज हो सकता है और वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंज होगा जैसे ही आर की टीम पहले बैटिंग करेगी तो मैं मुस्ताफिजुर को ले लूंगा ये लोकी फर्ग्यूसन को हटा के बस यही चेंज होगा कैप्टन आपको पता ही होगा मेरा कैप्टन कौन है वाइस कैप्टन मैं आपको बता देता हूँ जो मेरा वाइस कैप्टन इस मैच के लिए रहने वाला है वो रचिन रविंद्रा रहेगा बाकी ऑप्शन में विराट कोहली फाफ डू प्लेसिस दो अदर साइड ऑप्शन है रचिन रविंद्रा का रीजन ये है कि एक तो ओपन प्लस में कन्फर्म बॉलिंग एक करेगा और अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो आर के फैन हो तो मोहम्मद सिराज को भी आप वी बना सकते हो या थोड़ा सा सेफ बैटिंग में जाना है तो गायकवाड़ भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ठीक है बाकी अब मेरी टीम में जो भी चेंजेस होंगे मैं आपको उसका अपडेट आप टेलीग्राम पे दे दूंगा तो ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फटाफट आ जाओ और दस हजार लाइस का टारगेट है लाइक जरूर करना जो भी वीडियो को देख रहे हैं ठीक है चलो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में